सुप्रभात, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे। साइकिलिंग के साथ सकारात्मक चर्चा में आज हम जानेंगे एक ऐसी अवस्था के बारे में जिसके चलते हमारा मन एकाग्र नहीं हो पाता, हमारा मन अनेकों दिशाओं में अनवरत दौड़ता रहता है और जिसके चलते हम तनावग्रस्त अनुभव करते जा रहे हैं और हम किसी भी एक कार्य को पूरी शिद्दत के साथ कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। साथियों, विशेषज्ञों ने इस अवस्था को, इस सिंड्रोम को पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम कहा है। साथियों, जिस प्रकार से आपने मक्का के दानों को डालने के बाद पॉपकॉर्न बनते समय उन्हें अनेकों दिशाओं में उछलते हुए देखा होगा, ठीक उसी प्रकार से जब हम स्मार्टफोन का यूज करते हुए सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहते हैं तो हमारा मस्तिष्क कुछ सेकंड के लिए भी एकाग्र नहीं हो पाता और हमारा मस्तिष्क अनेकों दिशाओं में विचलित होता रहता है, अनेकों दिशाओं में दौड़ता रहता है, जिसके कारण, जिसके चलते हमारा अटेंशन स्पैन प्रभावित हो रहा है और हमारी एकाग्रता, हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। साथियों, आज विश्व की 6 अरब आबादी का लगभग 60-65% हिस्सा, आबादी का 65% व्यक्ति सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति लगभग 2.5 से 3 घंटे प्रतिदिन सोशल मीडिया पर व्यतीत करता है। यदि बच्चों की बात करें, किशोरों की बात करें तो यह समय 3 से 5 घंटे तक हो सकता है। साथियों, सोशल मीडिया के लंबे उपयोग के कारण हम पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम नामक व्याधि से पीड़ित होते जा रहे हैं। पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम व्याधि का सर्वप्रथम जिक्र यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट डेविड लिली ने किया था और आज यह व्याधि प्रत्येक स्मार्टफोन यूजर को अपनी गिरफ्त में ले रही है। साथियों, पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम से बचने के लिए हमें 5 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात है, रोजाना कुछ समय नेचर के साथ बिताएं। नंबर 2, डिजिटल डिटॉक्स का अभ्यास करें। सप्ताह में 1 दिन डिजिटल उपवास रखें, यानी कि फ़ोन का उपयोग कम से कम करें अथवा नहीं करें। 3, पुस्तकें पढ़ने की आदत डालें, प्रिंटेड न्यूज़पेपर पढ़ें जिससे कि आपका ध्यान एकाग्र हो सके। 4, एक्सरसाइज करें और आपस में मित्रों से मेलजोल बढ़ाएं जिससे कि आप फ़ोन का समय सीमित कर सकें। और 5वां और आखिरी उपाय है, पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम के खतरे समझते हुए हमें अपने बच्चों के लिए, अपनी युवा पीढ़ी के लिए एक सशक्त उदाहरण पेश करना होगा। आइए हम डिजिटल डिटॉक्स का उपयोग करते हुए सप्ताह में 1 दिन स्मार्टफोन से ब्रेक लेने का अभ्यास करें और प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति के साथ बिताते हुए पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम से निजात पाएं। धन्यवाद। नमस्कार। डॉक्टर सुरेश पांडे, सुविधा चिकित्सालय कोटा।